जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, साल 2024 की पहली मैच एनालिसिस वीडियो में मैं अक्षत भारद्वाज आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो बात होगी आज एक मैच एनालिसिस के बारे में, और बहुत लंबे समय के बाद टेस्ट क्रिकेट की बात होगी, क्योंकि जितना मुझे याद है लास्ट बात जो हुई थी टेस्ट क्रिकेट की वो WTC की हुई थी, जब हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ भारत गया था, उसकी मैंने मैच एनालिसिस नहीं करी थी। और साथ ही साथ अगर मैं बायलेटरल की भी बात करूँ, वनडे टेस्ट T20, तो आखिरी बार जब मैंने करा था तो जितना मुझे याद है वो एशिया कप, तो क्योंकि आपको पता है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होता है, तो जितना मुझे याद है शायद वो भी ये टेस्ट मैच ही था जिसमें WTC में हम हारे थे। तो उसके बाद से कभी भी मैच एनालिसिस नहीं हुआ। तो आज पहले इस साल की वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें मैच एनालिसिस करूंगा, और इस साल ऐसी कई अच्छी वीडियो आएंगी। तो बात करेंगे इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट केप टाउन में, जो कि खेला गया, और ये टेस्ट मैच वही जो हम डायलॉग बोलते हैं शुरू होते ही ख़त्म हो गया। तो अपना ये है कि खैर बहुत अच्छा तो टेस्ट मैच नहीं रहा, लेकिन इसकी बात होगी कि कैसा रहा इसका लेखा जोखा। तो टॉस का बॉस तो नहीं बने कप्तान रोहित, लेकिन बहुत ही अच्छी बॉलिंग का नज़ारा करा पूरी इंडियन टीम ने, और साउथ अफ्रीका मात्र 55 रन पर ऑल आउट हो गया। जो पिछले मैच में बड़े बड़े बल्लेबाज रन बना रहे थे वो सारे ही ढह गए। इवन डीन एलगर जो कि अपना आखिरी मैच खेल रहे थे वो भी कुछ नहीं कर पाए। और जैसा कि मैंने एशिया कप की बात करी, तो एशिया कप फाइनल में चमका था मियां मैजिक, जिसने ली थी 6 विकेटें, मोहम्मद सेंसेशनल सिराज, और साथ ही श्रीलंका के सामने भी उन्होंने 4 विकेटें ली थी वर्ल्ड कप में, तब वो भी 55 पे ऑल आउट हो गए थे। तो सिराज का 50 से कुछ ना आता है कि जब 5-6 विकेट लेती हैं तो सामने वाली टीम बिल्कुल ही ढह जाती है, उठती नहीं है, सीधा उड़ जाती है। तो अपना ये है कि सिराज ने 6 विकेटें ली, बुमराह को भी विकेट मिली 2, और मुकेश कुमार को भी 2 विकेट मिली। अब लगा भारत एक अच्छी लीड लेगा और रन बनाएगा, लेकिन जायसवाल और श्रेयस अय्यर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी 0 पे आउट हो गए। राहुल भी 8 रन पे आउट हो गए, जितना मुझे याद है जडेजा 0 पे हो गए, बुमराह 0 पे हो गए, और बाकी मुकेश कुमार, प्रसिद्ध, कृष्णा, सिराज, इन सब ने भी 0 बनाया। लेकिन अच्छी बात रही कि गिल के लगभग मुझे याद है 36 रन आए, अच्छे रन आए, फिर भी अभी तक बाहर चीना कंट्री में उनका एक भी अर्शद तक नहीं आया, बावजूद इसके कि 5-6 मैच वो बाहर खेल चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी आएगा ऐसा लगता है, और यही हम सब आशा भी करते हैं जब अगली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने जाएंगे तो फिर से वैसे ही रन बनाएंगे जैसे वहाँ पिछली बार बनाए थे। साथ ही साथ अगर मैं इसके बाद आगे बात करूँ तो अपना ये है कि रोहित के अच्छे रन रहे, फिर से अपना अर्शतक लगाने से, चूंकि सीना कंट्री में जब भी हम साउथ अफ्रीका में बात करते हैं बाकी जगह तो उनका बल्ला बहुत बोलता है, लेकिन ऐसे में कुछ उनको भी हो जाता है जो बहुत बड़े बड़े बल्लेबाजों को जाता है, विराट कोहली जिनके लिए स्पेशल ये वीडियो है इसलिए बात होगी। तो अपना ये कि 39 रन उन्होंने बनाए, लेकिन जो सबसे अच्छी पारी खेली वो विराट कोहली ने खेली, 46 रन बनाए। और आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा स्कोर क्रिक बस पे, या किसी ने मैच देखना शुरू करा होगा, क्या 153 पे 4 हैं और 153 पे आप ऑल आउट हो गए। तो 147 साल पुराना भारत ने रिकॉर्ड तोड़ा, जैसे 36 ऑल आउट पे भी अपना एक रिकॉर्ड तोड़ा था कि बहुत टाइम बाद ऐसी कोई टीम आउट हुई थी। तो अपना ये कि भारत ने लगभग 0 रन में 6 विकेट गवा दिए लास्ट के, अगर मैं 6 विकेट बात करूँ, कि 153 पे 4 थे और 153 पे 10 हो गए। और अच्छी बॉलिंग रही एंगी, डीरा, पार्टा, बर्गर, तीनों को 3-3 विकेट मिली। और इसके बाद अब था कि भारत के पास 98 रन की लेकिन लीड थी और एक खतरनाक पिच थी, और फिर वही हुआ, मैं बात करूँ एल्गर, टीजोरी, या मैं और भी सारे बल्लेबाजों की बात करूँ तो कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाए, लेकिन एक बल्लेबाज खड़ा रहा मार्करम, जिसने बहुत ही अच्छी पारी खेली लगभग 106 रन की। आप लगा लीजिए लगभग साउथ अफ्रीका ने 180 से भी कम रन बनाए, जितना मुझे याद है 179 के आसपास, उसमें से एक बंदे ने 106 रन बनाए, यानी बाकी 10 बंदों ने 73 रन बनाए, बहुत अच्छे चौके छक्के लगाए। और कभी कभी कहते हैं ना कि अटैक इज़ दी बेस्ट डिफेंस, वो बिल्कुल सही बात एडन मार्करम ने साबित करी। और यही पिछले मैच में विराट कोहली भी करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी का साथ नहीं मिला था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस मैच में भी, इस इनिंग में भी सिराज को विकेटें मिली, मुकेश कुमार को भी विकेट मिली, और अपना साथ ही साथ जो अपना 6 विकेट लिए पंजा नहीं खोला, 6 विकेट लिए किसने, जिसने आज ही के दिन आज से 6 साल पहले डेब्यू करा था, जब बहुत लोग कह रहे थे कि टेस्ट में चल पाएगा नहीं जैसे 1 T20 में चला। जी हाँ, हमारे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने लिए 6 विकेटें, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई, अभी बात करेंगे उस सब के बारे में। तो अपना ये कि 79 रन भारत ने चेज़ कर लिया, अय्यर ने चौका लगा के मैच फिनिश करा, और साथ ही साथ रोहित भी लगभग 12-13 रन में या 14 रन पर नाबाद रहे। जायसवाल ने अच्छी 24-25 रन की पारी खेली, गिल फिर 10 रन पर आउट हो गए, वो कि निराश करा, कोहली भी 12 रन पर आउट हो गए, थोड़ा नाबाद रह के जाते तो बढ़िया रहता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और आखिरी इनिंग क्यों थी उनकी साउथ अफ्रीका में, इसके बारे में भी बात होगी। तो अपना यह कि भारत ने 7 विकेटों से मैच जीता, 5वीं बार भारत साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच जीता, 2006 राहुल द्रविड़ जोहानिसबर्ग में 125 रन की बड़ी जीत थी, 2010 हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 96 रन डरबन में, उसके बाद 2018 विराट कोहली जब हवा में उछले थे, जब बताया था कि मैं आ गया हूँ, तो 63 रन से जोहानिसबर्ग, तीसरी जीत, चौथी जीत, फिर विराट कोहली बेस्ट टेस्ट कैप्टन ऐसे ही नहीं कहा जाता, सेंचुरियन 100 लगभग मैं बात करूं 12 रन से, और उसके बाद ही कुछ झटका लगा कि भारत पिछले 5 टेस्ट में सीना कंट्रीज में हार गया, 2 ऐसे में हार गया था, फिर एक इंग्लैंड में, फिर एक WTC फाइनल और एक ऐसे में, लेकिन अब फाइनली वो ड्रॉट एंड हो गया, लग रहा था कि वो वाला ड्रॉट ना हो जाए तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में सारे प्लेयर्स के ना चलने की वजह से हो जाता था, और उनकी कप्तानी भी शायद उतनी अच्छी उस टाइम पर नहीं हो पाती थी कि भारत 10-10 12-12 मैच तक लगातार सीना कंट्रीज में हारता रहता था।
तो अच्छी बात है। आप उम्मीद करते हैं ट्रॉट एंड होगा और ऑस्ट्रेलिया में जाके ट्रॉट फिर शुरू नहीं होना चाहिए। तो यह कि पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने साउथ अफ्रीका में चेस करके टेस्ट मैच जीते, क्योंकि इससे पहले आपने चारों जितने भी देखे वो 63 रन, 125 और मैं बात करूँ 112-96 ऐसे जीते। तो बहुत अच्छी बात रही, रोहित शर्मा ऐसे पाँचवें कप्तान बने, जैसा कि मैंने कहा जिसमें मैंने कहा विराट और अपना राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी थे, तो एक बहुत अच्छी बात है। प्लेयर ऑफ द सीरीज बने डीन एलकर अपनी आखिरी सीरीज में, और जब वो आउट हुए थे तो बहुत अच्छा लगा। विराट कोहली ने सबको बोला भाई ताली बजाओ और अपना जा रहे थे। पिछली बार अपना एक अलग अनबन हुई थी, लेकिन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं अपना। लगभग उन्होंने मैं बात करूं 3 इनिंग में 201 रन के ऊपर बनाए, और जो इतना अच्छे 180 रन पिछले मैच में बनाए। और इसके सिवा भी 2018 में मुझे याद है जोहानिसबर्ग जब भारत जीत रहा था तो यही खड़े हुए थे और लगभग 77-90 रन बनाए थे, और अगर ये आउट नहीं होते तो भारत वो मैच हार जाता। विशाखापट्टनम जैसी पिच पे जहाँ बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं अच्छे रन बना पाते बाहर के, हमारे तो बनाते हैं। रोहित की वो ऐसी पहली सीरीज थी जिसमें रोहित ने ओपनिंग करी थी और आपको याद होगा 200 बनाए थे, और अग्रवाल ने भी 200 बनाए थे, मयंक अग्रवाल ने, लेकिन एलकर ने भी वहाँ से सामने अच्छे डटकर सामना करा, 160 बनाए थे। और पिछली सीरीज में तो क्या कहना है, जब भारत पहला मैच जीता वहाँ 77 बनाए, दूसरा जब हारा 96 वहाँ बनाए, तीसरा भी फिर हारा और 50 बनाए, यानी डट के खड़े हो गए। और भारत को अपना साउथ अफ्रीका में पहली टेस्ट सीरीज नहीं जीतनी थी, तो बहुत अच्छे आप खिलाड़ी रहे एलकर। लगभग मुझे याद है कुछ बताया था कि 82-86 के आसपास इनके टेस्ट मैच हैं और 152 इनिंग हैं और 5000 के ऊपर रन हैं और लगभग 14 शतक हैं, बहुत अच्छी बात है। और उसमें आपने हमें सीरीज भी नहीं जीतने दी, अब अगली बार जब आप नहीं होगी तो तब जीतेंगे, तो बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ ब्यूटीफुल कैरियर डीन एलकर, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे आप, कप्तान भी अच्छे लगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आपने सीरीज जीती, आपने इंग्लैंड को हराया, आपने मैं साथ ही साथ बात करूं तो इंडिया को हराया, तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत अच्छी बात थी। और इसके सिवा अगर मैं बात करूं तो अपना एके बुमराह क्यों साथ में मैन ऑफ द सीरीज बने, क्योंकि उनको मिली 12 विकेट, बेस्ट फिगर्स रही, 15 रन देके 6 विकेट जो कि इस इनिंग में ली। और सेना कंट्रीज में बुमराह की अगर मैं डेब्यू से बात करूं तो अब तक 5 विकेट और बुमराह ने ले लिए, टोटल श्रीलंका ने 4, पाकिस्तान ने 2 और बांग्लादेश ने 1 लिए, तो इन तीनों को मिला के 7 है, बुमराह के अकेले 6 और इन तीनों से तो ज़्यादा ही, जिसमें 3 आए ऐसे में अलग अलग टूर्स में, 2018 में 1, 2021-22 वाली में 1 और 21 में 1, इंग्लैंड में अलग अलग टूर्स में 2018 में 1 और 2022 में 1। अब जब अगले साल जाएंगे फिर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में अपना 1 लिया था मुझे आता है 2018 में, 2021 वाली सीरीज में भी 4 ली थी लेकिन 5 तक नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि बॉलिंग इतनी अच्छी हो रही थी जडेजा अश्विन और सिराज की तरफ से भी। तो सिराज के तो खैर क्या कहने, मैन ऑफ द मैच उनको चुना गया, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा 7-8 विकेट एक मैच में लेना बहुत बड़ी बात है, और सिराज आप ऐसी बॉलिंग कराते रहो बस थोड़ा रेगुलरली कराओगे तो बहुत अच्छी बात है। सेना कंट्रीज में सबसे ज़्यादा जो 5 विकेट हॉल है मैं बात करूँ वो अपना श्री कपिल देव जी, हमारे लेजेंड कप्तान भी बहुत अच्छे, 7 बार, जहीर खान 6, चंद्रशेखर जी भी 6, तो बुमराह 6 पे पहुंच गए हैं। और अब लेजेंडरी कपिल देव जी को भी सरपास करेंगे जब 2 बार और लेंगे, तो उम्मीद करते हैं ऑस्ट्रेलिया के जब 5 मैच होंगे 10 इनिंग होंगी वहाँ पे ही वो ये कारनामा करके दिखाएं। साउथ अफ्रीका और इंडिया की सीरीज में अगर मैं विकेटों की बात करूं तो जैक हमारे लेजेंड 30 विकेटें दी, हमारे स्विंग किंग मोहम्मद शमी जिनको आपने मैंने सबने बहुत मिस करा अपना उनकी थी मैं बात करूं 35 विकेटें, बुमराह 38 पे पहुंच गए, श्रीनाथ बहुत अच्छे बॉलर 43, और पहले पे जितने मुझे याद है हमारे लेजेंड बहुत ही अच्छे बॉलर अनिल कुंबले 45, तो 8 विकेटें दूर हैं। जब अगली बार 2028 में साउथ अफ्रीका जाएंगे तब भी होंगे, और देखना पहले पे आएंगे। साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा बल्लेबाजों की रन की बात करूं तो 9 सीरीज टोटल रही। उससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि लगातार बस दूसरी बारी ऐसा हुआ जब भारत साउथ अफ्रीका में सीरीज जीता, 1992 में 4 मैच की थी, 2001-0 से हार गए थे, 1997 में SRT गए 3 मैच की 2-0 से हारे, 2001 में हमारे दादा भी हार गए थे 2 मैच की थी 1-0 से, 2006 राहुल द्रविड़ पहला मैच जीतने के बावजूद उसके बाद 2 मैच हार गए और 2-1 से हार गए, 2006 2010 महेंद्र सिंह धोनी ने जीता एक मैच, पहले एक हारा और टाई करवाई सीरीज, और बहुत अच्छा सबका साथ मिला था SRT का, खासकर मैं बात करूँ उसकी बात होगी 2013 महेंद्र सिंह धोनी 1-0 से हार गए 2 मैच की सीरीज जबकि लीड कर रहे थे पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद 2018 विराट कोहली 2-1 से हारे, पहले 2 मैच हार गए लेकिन तीसरा जीते, 2021 में लगा सिनेरियो बदलेगा जब पहला टेस्ट मैच जीते लेकिन दोनों फिर हार गए और कोच थे राहुल द्रविड़, तो राहुल द्रविड़ को पता नहीं क्यों साउथ अफ्रीका छोड़ती नहीं हमेशा पहला मैच जीतने के बाद भी, ऐसा काफ़ी बार देखा गया। और आखिरी बार मैं बात करूं तो अपना ये वाली सीरीज जिसमें अपना 1-1 से टाई रही, तो 9 में से 7 बार भारत आ रहा है, मात्र 2 बार टाई रहा है, तो बहुत जगह रोहित शर्मा धोनी की अच्छी बराबरी करते हुए नज़र आते हैं, और वो ICC टूर्नामेंट की कमी है वो भी जीतेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अब मैं बात करता हूं बतौर बल्लेबाज सबसे ज़्यादा रनों की वहाँ पे, तो 202 बनाए थे SRT ने जब पहला ही टूर था 1992 में, श्री कपिल देव जी की भी 202 थे जबकि तब बस जाने ही वाले थे, 1996-97 वाली सीरीज में मुझे याद है द्रविड़ के थे, जो लोग बातें करते रहते हैं द्रविड़ ने रन नहीं बनाए, ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, लेकिन 277 और इसी केप टाउन में 148 बनाए थे जहाँ आपको आज तक जीत नहीं मिली, भारत को वहाँ पहली जीत मिली, 2001 193 बनाए थे SRT ने, सहवाग का भी शतक आया था और दिखाया कि भाई क्यों लोग मुझे इतना मानते हैं, आप क्यों मुझे इतना मानते हो, मतलब सहवाग ने तो शतक लगाए लेकिन 193 बनाए थे
एसआरटी ने दो मैच की सीरीज में। 2006 बहुत अच्छा दादा का कमबैक हुआ था, 212 के आसपास बनाए थे और 2-3 रन शतक आए थे और भारत पहला मैच जीता भी था जोहानिसबर्ग में, पहला मैच ऐसे में जीता था। 2011 मेरे हिसाब से आज तक की सबसे अच्छी बल्लेबाजी किसी भी बतौर बल्लेबाज, कोई और भी बहुत अच्छा खेला होगा। 326 एसआरटी जिसमें दो बहुत अच्छे शतक आए थे और दोनों में 146 और 111 जिसमें स्टेन, मॉर्कल, सोटसोबे और भी एक दो उनके बहुत अच्छे बॉलर थे जब वो अपनी बिल्कुल पीक पे थे। लेल स्टेन ने भी कहा था कि मुझे कोई और इतना नहीं पीट सकता था अपनी पीक में। फिर 2013-14 बहुत अच्छा पुजारा ने 280 बनाए थे, एक बहुत अच्छा 150 उनका आया था और 77 आए थे। 2018 कौनों का आपको पता ही नहीं है, मेरी फेवरेट मेमोरी वन ऑफ द बेस्ट विराट कोहली साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में बात होगी जो मैंने कहने भी वाला था। लगभग 286 जिसमें एक बहुत अच्छा 150 आया था इसी केप टाउन में और हम हार गए थे। इसके सिवा एक बहुत अच्छा 50 आया था जोहान्सबर्ग में जिसमें हम जीते थे। फिर 2000 में बात करूं तो 21 में केएल राहुल 226 जहां शतक आया अपना सेंचुरियन में तो भारत जीता, 50 अपना आया था जोहान्सबर्ग में लेकिन बाहर गए थे और केप टाउन में बल्ला नहीं चला इसलिए भारत हार गया था। तो कंसिस्टेंसी की कभी कभी राहुल कमी कर देते हैं लेकिन तो वैसे खिलाड़ी तो खैर कितने जोरदार हैं, पिछले मैच में कितना अच्छा शतक आया और इस बार रहे। फिर विराट कोहली 172, पिछले मैच में 38 और 76, इस मैच में 46 और 12, तो बहुत अच्छा खेले। तो दोस्तों इस साउथ अफ्रीका में अगर मैं बात करूं तो रहाणे काफ़ी अच्छा खेले लेकिन 400 रन ही बना पाए, स्ट्रगल करा। सहवाग ने पहली इनिंग में शतक लगाने के बावजूद 500 रन ही बनाए। दादा की बात करूं तो दादा ने भी लगभग 450 के आसपास रन ही बनाए, स्ट्रगल करा। इसके सिवा मैं बात करूं वीवीएस काफ़ी अच्छे फिर भी दिखे, 600 के ऊपर रन बनाए लगभग, मैं बात करूं 550 के आसपास और अच्छे 4 शतक भी लगाए लेकिन स्ट्रगल करते थे। हमारे चितेश्वर पुजारा जिनको पुराने कह देते हैं रहाणे और पुजारा, वो 550 उन्होंने भी बनाए लेकिन जैसा अच्छा पहली एक दो इनिंग में खेले थे, बाद में स्ट्रगल करा और 28 की एवरेज पर पहुँच गए। और राहुल द्रविड़ भी हमारे कोच साहब जिनका बहुत मजाक बनता है कि कम रन बनाए हैं, 650 के आसपास बनाए हैं। तो और पहले भी थे एसआरटी जिन्होंने 1191 बनाए थे, 14 टेस्ट मैच खेल के बहुत ही अच्छा खेले और 5 शतक सबसे ज़्यादा। इसके सिवा कोहली के 2 हैं, प्रवीण आमरे जी का, अजहरुद्दीन जी का, कपिल देव जी का, सहवाग का और गुजारा का एक ही है। तो आप इससे लगा सकते हैं एसआरटी तो अनमैचेबल है, 8 सबसे ज़्यादा शतक भी एसआरटी के हैं लेकिन दूसरे पे हैं विराट कोहली 6। दूसरे पे रन सबसे ज़्यादा किसके हैं, विराट कोहली मात्र 9 मैचों में यानी 18 इनिंग में 891 जिसमें अपना लगभग 50 की एवरेज है सबसे ज़्यादा, 46-45 के आसपास लक्ष्मण और एसआरटी की है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बेस्ट स्कोर की बात करूँ एसआरटी का 169 आया था डरबन जैसी खतरनाक पिच पे, पुजारा 153 जोहान्सबर्ग लेकिन वो बैटिंग फ्रेंडली पिच थी, लेकिन विराट कोहली का भी खतरनाक पिच आया था केप टाउन पे जब टीम 300 पे ऑल आउट हुई थी और 153 अकेले इनके थे और साउथ अफ्रीका भी उस मैच में 300 से ज़्यादा नहीं बना पाए। तो जब डिविलियर्स, आमला, डिकॉक जैसे बड़े बड़े डुप्लेसी जैसे बल्लेबाज उस मैच में नहीं चले, कोहली ने 150 बनाए थे अकेले और नॉट आउट गए थे लास्ट तक। तो सेकंड ये जॉइंट मोस्ट बेस्ट स्कोर उनका कहा जाना होगा बेस्ट एवरेज मैंने कही, सबसे ज़्यादा नंबर 2 पे शतक साउथ अफ्रीका में। सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ तो मैंने बात करी अर्धशतकों की 6 और अपना एसआरटी के 8 थे और सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में बतौर जीत 2, तो ये वाली चीज़ है सारी। सबसे ज़्यादा वनडे में भी अगर मैं बात करूँ तो 550 और 500 हैं एसआरटी और राहुल द्रविड़ के, 782 हैं विराट कोहली के सबसे ज़्यादा और एक सीरीज़ में 558 जो कि साउथ अफ्रीका में नहीं ओवरऑल भी वनडे क्रिकेट में आज तक सबसे ज़्यादा है जब वनडे सीरीज़ पहली बार साउथ अफ्रीका में जीती थी। पहली बार साउथ अफ्रीका में 2 मैच बतौर कप्तान जीता T20 में, 2-1 से वहाँ श्रृंखला जीती थी। तो फेवरेट मेमोरी थी मेरी विराट कोहली जब 2-1 से भारत टेस्ट सीरीज हारा था लेकिन अच्छा टेस्ट मैच आखिरी जीता और आप अच्छा खेले, 5-1 से वनडे जीता जब आप और धवन और रोहित चले थे, कुलचा चले थे धोनी की अच्छी साथ में, आपकी जो जुगलबंदी चलती थी, T20 भी 2-1 से जीते थे जब रायना जी मैन ऑफ द सीरीज बने थे और अच्छी जुगलबंदी आपकी धवन और रोहित के साथ चली, धोनी के साथ चली थी, डी के पूपा भी तब बहुत अच्छी फॉर्म में थे और बुमराह भुवनेश्वर वो बहुत अच्छी टीम थी। तो दोस्तों मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े दुख से मुझे कहना पड़ेगा कि अगला टूर 2028 में साउथ अफ्रीका का होगा। यू नेवर नो, क्या पता विराट कोहली उसमें भी हो, लेकिन लगता है कि शायद साउथ अफ्रीका में विराट कोहली अपनी आखिरी पारी खेल चुके हैं। T20 तो वो वैसी शायद आखिरी पारी खेल है जो आपको न्यूज़ मिल जाएगी वर्ल्ड कप की, लेकिन अपना ये कि वनडे क्रिकेट वो उस बार वैसे भी नहीं खेले। तो जो इतनी अच्छी मेमोरी 2018 में बनाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार सीरीज जिताई राहुल ने, इस बार जिताई लेकिन पिछली बार की बात अलग थी जब बहुत अच्छी टीम सामने भी थी, 558 रन 3 शतक और जब यूँ करा था मैं यहाँ शतक बना सकता हूँ और जल्दी कॉलेज से मैं घर आ जाता था जैसी छुट्टी होती थी 10-15 मिनट में, जबकि 20-25 मिनट लगते थे कि यार विराट कोहली मेरा आ रहा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया विराट कोहली। मुझे हमेशा दुख लगा जब 2011 में एसआरटी इतना अच्छा खेले, 326 रन बनाए कि यार इतना अच्छा एक आदमी खेला लेकिन मुझे बाकी बार देखने को क्यों नहीं मिला। तो शायद भगवान ने तब मेरे से ऐसा कहा था कि कोई और भी है जो इतना अच्छा तो नहीं लेकिन सेकंड नंबर पे तो बहुत अच्छा खेलेगा, थोड़ा स्ट्रगल कभी कभी विराट कोहली भी करते हैं लेकिन वो एसआरटी वाली छाप दिखती है, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं होगी। अगर आप लोग डिसएग्री करें तो बिल्कुल बताइएगा लेकिन मुझे लगता है आप सब एग्री करेंगे। तो वो बचा के रखा, चाहे 2013 में आपका आती पहली इनिंग में शतक 119, उसी मैच में 96, दूसरी इनिंग में, अगले मैच में डरबन जैसी खतरनाक पिच पे 50, 2018 में जैसा कि मैंने कहा 150 सेंचुरियन में,
और मैं साथ ही साथ बात करूं तो जो दूसरा मैं आखिरी मैच जोहानिसबर्ग में 50 जब जीते मुश्किल पिच थी, और फिर पिछली बार भी जब आप अपने लीन पैच जब लोग बात कर रहे थे तो 79 बहुत अच्छे आए थे, बात करूं इसी केप टाउन में, और इस बार फिर से पिछले मैच में 76, जो कि बहुत मैं इन्जॉय नहीं कर पाया पहले की तरह, क्योंकि अभी उतना अच्छा मन क्रिकेट के लिए नहीं है। और दूसरी बार भी अभी आपने जो अपनी इतनी अच्छी पारी खेली 46 रन की, तो बहुत बहुत शुक्रिया विराट कोहली तहे दिल से हर चीज़ों के लिए। और बाकी सब भी बहुत अच्छा खेले, मोहम्मद सेंसेशनल सिराज, कैप्टन रो, सुपर हिटमैन शर्मा, जसप्रीत बुमराह, कमाल लाजवाब राहुल, और बाकी लोगों को इम्प्रूव करना होगा, चाहे श्रेयस अय्यर हों, यशस्वी जायसवाल हों, शुभमन गिल हों, प्रसिद्ध कृष्णा हों, तो देखते हैं। तो फ्यूचर में और अच्छी सीरीज होंगी, लेकिन अब 10 टेस्ट मैच आएंगे जो कि 5 इंग्लैंड के सामने अपना, अभी 25 जनवरी से 11 मार्च तक, फिर अपना बांग्लादेश की मैंने सीरीज बताई थी अपना है सेप्टेम्बर में 2 मैच की, और अक्टूबर नवंबर में न्यूजीलैंड आएगा 3, तो बहुत अच्छी अब टेस्ट मैच होंगे। फिर 5 होंगे आपको पता नवंबर दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के सामने, और WTC फाइनल खैर जून में ही होगा, तो उसकी बात खैर तब होगी, लेकिन बहुत अच्छा आप इन्जॉय करेंगे इन सबकी क्रिकेट, ये मेरा वादा है। तो मेरी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जब इंडिया इंग्लैंड की सीरीज होगी तो एनालिसिस करेंगे तब उस टेस्ट सीरीज का, उस टेस्ट मैचेस का, इंडिया अफगानिस्तान का इसमें एनालिसिस ज़्यादा नहीं होगा, एक आध वीडियो बाद में अगर जब इंडिया अच्छा खेलेगा तो मैं आपको बना के बिल्कुल भेजूंगा। बाकी मिलेंगे और अलग वीडियो के साथ, जैसा कि मैंने वादा करा था। जय हिंद, जय भारत।